नमस्कार। राजनीतिक गलियारों में चर्चा मुजफ्फरनगर की है। मुजफ्फरनगर की इसलिए क्योंकि अब सियासी खिलाड़ियों के पाला बदलने का खेल शुरू हो सकता है। मुजफ्फरनगर जिले के नेता पूर्व सांसद कादिर राणा और पूर्व सांसद राजपाल सैनी फिर से बसपा में जा सकते हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट में यह खबर प्रकाशित भी हो चुकी है। हालांकि दोनों नेता अभी इनकार ही कर रहे हैं। कादिर राणा अभी सपा में हैं, जबकि राजपाल सैनी विधानसभा चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए थे। गठबंधन में खतौली सीट से रालोद के सिंबल से चुनाव लड़ा था, अब रालोद में है और संगठन में दायित्व भी है। इसी तरह कादिर राणा भी विधानसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी में बसपा से आए थे। खतौली उपचुनाव में राजपाल सैनी की जगह रालोद ने मदन भैया को उम्मीदवार बनाया था। अब बसपा में किस लिए एंट्री हो सकती है, इस पर बात करते हैं। दरअसल कादिर राणा मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन कादिर राणा को समय रहते पता चल गया कि मुजफ्फरनगर से टिकट नहीं मिलने वाला है। ऐसे में अब बिजनौर लोकसभा सीट से टिकट की दावेदारी की हुई है। NBT के अनुसार कादिर तो यहां तक कह रहे हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिजनौर के लिए टिकट का भरोसा भी दे दिया है, लेकिन चर्चा ये है कि कादिर राणा की बसपा के बड़े नेताओं से बात हो रही है। लेकिन इससे बड़ी चर्चा ये है कि राणा जी पर एक ताकत की तरफ से दबाव है कि लोकसभा चुनाव से पहले बसपा में शामिल होना है। दबाव सिर्फ राणा पर नहीं है, बल्कि जाने पहचाने ऐसे मुस्लिम चेहरों पर है जो सपा और रालोद में है, जिससे बसपा में दम आने का मैसेज पूरे प्रदेश में चला जाए। और कहा जाता है कि इसकी शुरुआत कुछ माह पहले सहारनपुर से हुई थी। कादिर राणा के भाई पूर्व विधायक नूर सलीम राणा भी राष्ट्र लोकदल में है। वहीं भले ही शामली अब अलग जिला हो गया हो, लेकिन राजनीति में मुजफ्फरनगर शामली का नाम एक साथ ही लिया जाता है। और कादिर राणा और राजपाल सैनी की तरह ही पूर्व सांसद अमीर आलम के लिए भी बसपा में जाने की चर्चा है। आलम परिवार अभी राष्ट्र लोकदल में है और कैराना लोकसभा सीट पर अमीर आलम बेटे नवाजिस आलम को लड़ाने का ऐलान कर चुके हैं। वह गठबंधन से टिकट तो मांग रहे हैं, लेकिन बसपा में जाने को लेकर उनकी खूब चर्चा है। ये भी कहा जा रहा है कि आलम परिवार हर सूरत में चुनाव लड़ेगा, क्योंकि आलम परिवार अब यह मान रहा है कि अगर चुनाव नहीं लड़े तो राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 2017 के बाद से ही आलम परिवार कोई चुनाव नहीं लड़ा है। और यही हालात कादिर राणा की सियासत का भी है। और हो सकता है कि पूर्व सांसद राजपाल सैनी लोकसभा का टिकट पक्का कर बसपा में जाने का ऐलान कर दें। बसपा से ही वह राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। कुल मिलाकर कादिर राणा, अमीर आलम, राजपाल सैनी तीनों नेता सपा रालोद में आने से पहले बसपा में ही थे। अब कमजोर हो चुकी बसपा को मजबूत करने में कौन सी ताकत लगी है और ये नेता बसपा में जाते हैं या नहीं, ये चर्चा और सवाल सभी नुक्कड़ और चौपालों में हो रही है।